हेलो गाइस, दिस इज़ उपकार हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट के का रिव्यू देने जा रहा हूं, जो मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। द पैनल स्टेशन नाम का एक वेबसाइट है। द पैनल स्टेशन नाम का एक वेबसाइट है, ये कुछ इस प्रकार है। ये वेबसाइट बेस्ड है सर्विस से, जो आपको सर्वे कंप्लीट करने पे पॉइंट देगा और पॉइंट्स के बदले आपको पेटीएम वाउचर या फिर अमेजोन या गिफ्ट कार्ड देगा। अब यहाँ पर साइन इन करना काफ़ी इजी है। ईमेल फर्स्ट नेम जो फ़ोन नंबर दे दें, अगर आप यहाँ पर कोई नंबर देना चाहे दे के वेरीफाई कर लें, और रेफरल कोड अगर आप देना चाहे तो मैं आपको वो बगल में दे दूँगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यह मेरा अकाउंट है, देख सकते हैं मैंने टोटल यहाँ पर 3800 पॉइंट्स कमाए थे, जिसमें मैंने 3000 रिडीम कर लिए और जो भी पॉइंट्स अवेलेबल है वो 800 हैं। और इस पर आपको सर्विस मिलते रहेंगे, देख सकते हैं मुझे सर्विस अभी भी अवेलेबल है, जिसमें पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये सब है। और ऐसा काफ़ी ज़्यादा पेज मिलेगा, अपने अपने स्तर पर देख लीजिए कितने सारे सर्विस अवेलेबल है। लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ कि ये मुझे एकदम स्कैम वेबसाइट लगता है। मैंने ये पॉइंट जो रिडीम किए थे, मैंने पेटीएम पे रिडीम किए थे। अपना पेटीएम नंबर भी मैंने दे दिया था रिडीमशन के द्वारा। मुझे एक रुपये भी अभी तक इस वेबसाइट से नहीं मिला। देख सकते हैं 8/5/2020 को मैंने रिडीम किया था, टोटल 3000 पॉइंट्स मैंने रिडीम किया था, जो अभी स्टेटस पेंडिंग में और कभी मिलने वाला भी नहीं है। मेरे और दो दोस्त हैं, उन्होंने भी 5000 या 6000 पॉइंट्स रिडीम किए थे पेटीएम में। वो उन्होंने बहुत पहले ही उन्होंने रिडीम किया था, लेकिन उनको नहीं मिला। और आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत से फेक वीडियो बना के डाला गया है कि उन्हें वो रिडीम कर लेते हैं। लेकिन रिडीम तो आप कर पाइएगा, यहाँ पर जाइएगा तो रिडीम बहुत ईजी हो जाएगा, प्रोसेस काफ़ी ईजी है। लेकिन रिडीम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, वो मायने नहीं रखता। जब आप रिडीम कीजिएगा तो ये लोग आपको मेल भी करेंगे, और फिर जब आपको पैसा नहीं मिलने लगेगा और आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा ईमेल के द्वारा, तो कभी भी आपको रिप्लाई मिलने वाला है नहीं। मैंने 3-4 बार इनसे कॉन्टैक्ट किया है। इसमें दो तरह का रिडीम होता है, एक होता है स्वीप स्टिकर, मतलब आपको एक टिकट खरीदना है, 500 उस टिकट 500 पॉइंट लगेगा उस टिकट को खरीदने का, मतलब लकी ड्रॉ की तरह है, जिसमें आपको जो है अगर आपका ड्रॉ निकला तो 20,000 और सेकंड ड्रॉ तो इस तरह। लेकिन ये पूरा स्कैम है, मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरा है जनरल है, मतलब इसको रिडीम करने के लिए आपको मिनिमम 3000 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ऐसा इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन आप रिडीम कर लीजिएगा तो आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ये पूरा फेक वेबसाइट है, और इसे इसे मत ही यूज कीजिए, आपके लिए समय का बर्बादी है। आप एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछेगा, और अगर आप पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे, जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आप किसी भी सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, 3000 पॉइंट्स तो आप बहुत ईजी कलेक्ट कर लेंगे, वो शुरू में लुभाने के लिए देता है। और उसके बाद अगर आप इस कोई और भी सर्वे कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये करने नहीं देगा आपको। बीच थोड़ा सा सर्वे आप मेहनत लगा के कम्प्लीट कीजिएगा टाइम दे के, और बीच में कैंसिल कर देगा, और फिर आपको 0 पॉइंट देगा, और ऐसा हर बार ही होगा। और आपके ईमेल में झूठ मूठ का ये सर्वे भेजते रहेगा, और आप जितनी बार ट्राई कीजिएगा आधा कंप्लीट होगा फिर कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा स्कैम ऐप का स्कैम। इसका ऐप के बारे में और इसके ऐप में भी आपको बहुत ज़्यादा बग मिलेगा। आप कितना भी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन क्यों ना हो, इसे लोड होने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ऐसे भी कोई वीडियो देखते हैं, तो अगर मैं सर्वे भी स्टार्ट करूं, एक सर्वे में करके दिखाता हूं आप लोगों को, देख सकते हैं कि मुझे एरर शो हो चुका है। ये कभी भी आपको फुल कंप्लीट करने नहीं देगा कोई भी सर्वे।
तो बस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि इतने इजी से आपको पैसे नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पर 100 पॉइंट्स पे 10 रुपीज़ होता है, मतलब 3000 पॉइंट्स रिडीम कीजिएगा तो आपको 300 मिलेगा, ऐसा इस वेबसाइट का कहना है, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे कभी भी मत फंसिएगा। यूट्यूब में आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे, रिडीम हो जाएगा लेकिन पैसा आपके अकाउंट में कभी नहीं आएगा। बस यह जानकारी मैं देना चाहता था आपको। थैंक यू।